तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पर बेस स्पीकर कितने वाट का लेना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, बहुत सारे भाई लोग का मतलब डाउट रहता है कि यार बेस स्पीकर कितने वाट का ले और कितने हज़ार वाट का बेस लेंगे तो हमें कैसा पंच मिलेगा, कैसा साउंड मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे मन में डाउट होते हैं और बनते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो है बेस स्पीकर हमें कितने वाट का लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम वीडियो को आप फुल वॉच करिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और दोस्तों, चैनल में नए हैं तो नीचे जाकर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि यहाँ पर स्पीकर्स हमें कितने वाट का लेना चाहिए और कैसा स्पीकर लेना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं पहले लो बजट और कम वाटेज के स्पीकर के बारे में। जैसे दोस्तों, मान लीजिए अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 600 वाट का स्पीकर लेते हैं, या फिर 650 वाट का, या फिर यहाँ पर 800 वाट का। मतलब कि यहाँ पर हम तीन स्पीकर को एक ही लाइन में लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर तीन स्पीकर्स, तो यहाँ पर मान लीजिए 800 वाट तो थोड़ा सा हेवी हो गया, मतलब कि 650 से थोड़ा सा हेवी हो गया। तो यहाँ पर 600 और 650 वाट का अगर आप स्पीकर ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको बेस कैसा मिलेगा, तो ये आप पहले जान लीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए अगर 600 वाट का या फिर 650 वाट का अगर स्पीकर आप लेते हैं बेस के लिए, तो यहाँ पर आपको हल्का बेस मिलेगा। मतलब कि आपको फील होगा, मतलब बेस जो आता है एक फील होने का, वो आपका मतलब छाती जो है चेस्ट आपका हिलेगा नहीं, आपका जो है ओनली बेस थोड़ा सा महसूस होगा कि हाँ यार थोड़ा बहुत बेस जो है आ रहा है। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि यहाँ पर 800 वाट, 1000 वाट और 1200 वाट। यहाँ पर 800 और 1000 ही हम लेते हैं, 1200 कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए अगर आप 800 और 1000 के बीच में स्पीकर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 800 वाट का स्पीकर लेते हैं या फिर यहाँ पर 1000 वाट का स्पीकर आप ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पंच कैसा मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर पंच आपको मिलेगा, आपको मीडियम क्वालिटी का साउंड मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि 1000 वाट का स्पीकर आप लेते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा बहुत बेस जो है थोड़ा सा चेस्ट में थोड़ा सा आपको जो है बेस लगेगा, जो कि इतना ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको बेस जो है फील होगा और महसूस भी होगा, और आप कहेंगे कि हाँ यार थोड़ा बहुत जो है बेस हमें मिल रहा है और बेस थोड़ा बहुत आपको लगेगा। और यहाँ पर जान लेते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए अगर आप 1200 वाट का स्पीकर लेते हैं और 1500 वाट का स्पीकर लेते हैं, तो यहाँ पर 1200 और 1500 वाट का अगर आप बेस स्पीकर ले रहे हैं, तो यहाँ पर 1200-1500 वाट का स्पीकर्स में आपका जो है चेस्ट एकदम हिल जाएगा। मतलब कि वहाँ पर आपको वाइब्रेशन भी मिल जाएगा और चेस्ट भी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हिल जाएगा। मान लीजिए अगर आप 4 बेस लगाते हैं या फिर 2 बेस भी लगाते हैं, तो 1500 वाट का अगर 2 बेस लगाते हैं तो 1500 वाट का बेस आपके लिए बेस्ट रहेगा। आज के सिचुएशन मतलब कि जिस टाइप से आजकल चल रहा है डीजे, उस टाइप में आप 1500 वाट का स्पीकर 2 बेस यूज़ कर सकते हैं। और अगर 4 बेस वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर 1000 वाट का भी 4 बेस आप यूज़ कर सकते हैं, सॉरी 1200 वाट का बेस 4 यूज़ कर सकते हैं, जो कि उसमें भी काफ़ी अच्छा आपको बेस और पंच आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, बात करते हैं 1500 वाट के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि हम जान लिए कि यहाँ पर 1000-1200 में हमें जो है, सॉरी 1200 और 1500 में हमें जो है चेस्ट जो है काफ़ी अच्छे से हिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, स्पीकर्स के ऊपर है, सभी स्पीकर्स में है थोड़ा बहुत जो है, किसी किसी स्पीकर्स में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसमें थोड़ा सा मिड जो है आ जाता है। अगर उसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अगर कम हो, जैसे कि 200 हर्ट्ज हो या फिर यहाँ पर 500 हर्ट्ज हो, उस टाइप से अगर स्पीकर्स है तो काफ़ी ज़्यादा आपको वाइब्रेशन एंड पंच आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर स्पीकर्स का जो वॉइस कोयल है वो भी मैटर करता है। अगर आपका वॉइस कोयल अगर मान लीजिए 4.5 इंची के ऊपर है, 5 इंची का वॉइस कोयल है, जैसे कि 1200 वाट और 1500 वाट में अगर 5 इंची का वॉइस कोयल है, तो काफ़ी अच्छा आपको बेस देखने को मिल जाएगा। अगर वहीं 4.5 इंची का वॉइस कोयल है 1200 वाट में तो चलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए 1500 वाट में 4.5 इंची है, तो उसको आप 1200 वाट ही मान के चलिए कि आपको 1200 वाट का ही आपको साउंड देगा। लेकिन दोस्तों, काफ़ी सारे स्पीकर्स में है जो काफ़ी अच्छे ब्रांड जो है, अगर कम इंची वॉइस कोयल भी होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको बेस देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं बम्फार बेस के लिए। जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे कि अरे यार गजब का बेस आ रहा है और यहाँ पर छाती हिल जाता है, मतलब चेस्ट जो है एकदम हिल जाता है, डीजे के सामने हम जा नहीं सकते, उस टाइप के बेस के लिए आपको लेना पड़ेगा 1500 वाट से ऊपर। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर
1700 वाट का आप ले सकते हैं बेस स्पीकर। चार स्पीकर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर 1700 वाट का चार स्पीकर आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा आपको बेस जो है काफ़ी बेहतरीन टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर आप डीजे चला रहे हैं, अगर चार बेस जैसे कि 1700 वाट से ऊपर, 1700 वाट चलेगा, 1700 वाट से अगर ऊपर भी है तो काफ़ी अच्छा आपको बेस, मतलब कि अगर आप ज़्यादा बेस के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप 1700 वाट के बेस स्पीकर में आप जाइए, जो कि काफ़ी अच्छा आपको बेस मिलेगा, जो कि यहाँ पर डीजे के सामने आप जा नहीं सकते। मतलब अगर ज़बरदस्ती जाएंगे तो जा सकते हैं, लेकिन अगर नाचने वाले अगर नाचेंगे 2-3 घंटा तो यहाँ पर डीजे के सामने नहीं नाचेंगे, कम से कम तो 10-15 फीट के रेंज में ही नाचेंगे, 10-15 फीट के हट के, डीजे से हट के ही, अगर 10-15 फीट के हट के ही उन लोग जो है नाचेंगे, बराती लोग या फिर जो भी है। तो ये होता है कि यहाँ पर अगर 1700 वाट से ऊपर लेते हैं या फिर 1700 वाट का लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेस आपको मिलेगा, तगड़ा वाला बेस। और वहीं दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर एम्पलीफायर, दोस्तों यहाँ पर स्पीकर्स तो मैटर करता ही करता है, लेकिन यहाँ पर एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर दोस्तों मान लीजिए आपके पास 1700 वाट का स्पीकर्स आप रख लिए हैं और यहाँ पर आपके पास एम्पलीफायर छोटा एम्पलीफायर है, जैसे कि मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर मान लीजिए MT-1601 है या फिर 6000 वाट का और भी अदर ब्रांड का एम्पलीफायर है, तो दोस्तों वहाँ पर कम पड़ जाएगा एम्पलीफायर, वहाँ पर आपको उतना अच्छा खासा बेस नहीं मिलेगा। उसके लिए आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर 1700 वाट अगर आपका 4 ओम लोड हो रहा है तो यहाँ पर आपको 3500 वाट जो एम्पलीफायर देगा आउटपुट, वो एम्पलीफायर यूज़ करिए, जो कि काफ़ी अच्छा आपको बेस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर 1700 वाट का चार बेस के लिए जेफर का Z7 ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 1500 वाट के बेस के लिए, जैसे कि अगर 1500 वाट का बेस चलाते हैं तो यहाँ पर जेफर का Z6 ले सकते हैं, 1500 वाट का अगर चार बेस चलाते हैं तो यहाँ पर चार बेस के लिए आप जेफर का Z6 ले सकते हैं, जो कि बेस का एक्सट्रीम बेस एम्पलीफायर होता है, वो वाला एम्पलीफायर। वहीं दोस्तों बात करते हैं 1200 वाट का या फिर 1000 वाट का चार बेस के लिए, MT-1201 काफ़ी अच्छा आपके लिए होने वाला है, जो कि अगर आपको अदर ब्रांड का लेना होगा तो यहाँ पर 6000 वाट का एम्पलीफायर आप ले सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं 800 वाट के चार बेस के लिए, तो यहाँ पर 800 वाट के चार बेस के लिए आप 4000 वाट का कोई सा भी एम्पलीफायर, अच्छा एम्पलीफायर आप चूज़ कर सकते हैं जिसका डंपिंग फैक्टर 700 से अधिक हो। वहीं दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 650 वाट का स्पीकर के लिए, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं 3500 वाट का एम्पलीफायर या फिर 4000 वाट का भी बेटर रहेगा। दोस्तों बात जो है हम सारी चीज़ें कर लिए हैं कि यहाँ पर बेस स्पीकर कैसा लेना चाहिए, कितने वाट का लेना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों चैनल में नए हैं तो यार नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो के नीचे जाइए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा, वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।